कुमार फ्रॉम सूरज कंप्यूटर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो घर में इंकजेट प्रिंटर होते हैं, आजकल 90% घरों में इंकजेट प्रिंटर होते हैं, जो जिनके प्रिंटिंग का काम होता है, बच्चों के असाइनमेंट वगैरह वगैरह ये वो, तो वो अपने घर में प्रिंटर रखते हैं। और ज़्यादातर इंकजेट प्रिंटर होते हैं जिनकी कार्ट्रिज छोटी होती है, जैसे ये जैसे आप देख रहे हैं 6-7-8 कार्ट्रिज। तो ये वैसे तो महंगी पड़ती है, लगभग 1500 रुपये के पेयर आता है, लेकिन आप इसे रिफ़िल भी कर सकते हो। और मैं आज आपको बताऊंगा कैसे रिफ़िल करना है। ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे कि आपके हैंड ग्लव्स होने चाहिए, ताकि आप जब कलर रिफ़िल करो तो आपके हाथों में दाग ना आए। और दूसरा, इंजेक्शन जो आपके पास होगी नई, जिसमें मैं बता रहा हूँ आपको, इंजेक्शन होंगी कम से कम 4 इस साइज़ के हो सकते हैं, या नए आप किसी भी साइज़ के इंजेक्शन रख सकते हो। आपको टिशू पेपर चाहिए, और आपको चाहिए टिशू पेपर वगैरह, और कलर चाहिए होता है। कलर में आपको 4 कलर मिलने चाहिए होता है। ये ब्लैक है, ये रेड है, ये आपका ब्लू है, और ये है आपका येलो। तो इन 4 कलरों को ना आपको ये इंजेक्शंस में फिल करना है। जैसे मैंने पहले से फिल कर रखा है, पर मैं बता दूँ ये कैसे फिल करना है। आप आपको इसको इन डब्बों में से इस तरह से फिल करना है, ताकि ये पूरी तरह आपके इंजेक्शन में आ जाए। मान लो मैंने ये फिल कर लिया ऐसे करके। फिल करने के बाद आपको अब कार्ट्रिज रिफ़िल करनी है। इनको हटा दीजिए साइड। अब हमने इन 4 इंजेक्शन्स में अलग अलग 4 कलर भर लिए हैं, अब हम रिफ़िल करेंगे। मोस्टली जो कार्ट्रिज होता है छोटा वाला, इनमें छेद होते हैं। छेद जो ब्लैक कलर का कार्ट्रिज होता है, चाहे वो 6-7-8 हो या फिर कोई भी हो, उनमें जब आप देखोगे तो यहाँ पे एक ब्लैक स्पॉट है, उस वहीं पे एग्जैक्टली वहीं पे एक छेद होता है, वो इस कवर से ढका हुआ होता है। तो उसको रिफ़िल करने के लिए, मान लो ये मैंने ब्लैक का इंजेक्शन इंक वाला लिया है, और जब ये आप छेद में देखोगे ना, तो छेद में आपको यहाँ पे ले जाके जैसे ही थोड़ा सा पुश करोगे आपको जगह मिल जाएगी। फिर इस तरह से आपको दबाते हुए ये फिल कर देना है। इसमें फिल करते हुए मैंने अपना, आपने देखा कि मैंने अपना सारा इंक इसमें डाल दिया। इंक डालने के बाद आपको टिशू पेपर पर साफ करके और इसको रख देना है, यानी ये रिफ़िल हो गया। इसी तरह आपके कलर में 3 छेद होते हैं इनमें, कि जो ये येलो कलर का छेद होता है वो आपके लेफ्ट साइड में इस एकदम मिडिल में यहाँ पे होता है, वहाँ भी छेद बना हुआ होता है। आप जहाँ पे जैसे इंजेक्शन आप डालोगे तो वहाँ पे इंजेक्शन आपका खुद से अंदर चला जाएगा, थोड़ा सा कवर फाड़ के वो अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे येलो होता है, और इसी तरह से यहाँ पे बाकी कलर इसी के ठीक अपोजिट साइड में ब्लू कलर के लिए छेद होता है।